व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू शलोर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार और इंटरेस्टिंग डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग लेक्चर को आगे लेकर बढ़ेंगे और फिर डिटेल में आगे एक क्विज होगा, फिर न्यूज होगी और फिर वीडियो के एंड में फिर से एक क्विज होगा। तो ये वीडियो आप लोगों ने किस तरीके से सुनी है, कितने अच्छे से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है, उसका पता उससे चलेगा कि लास्ट में जो क्विज होगा उसका आंसर कितने अच्छे से आप लोग कर पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लोगों को टकटकी लगाकर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अरबिक लैंग्वेज डे के बारे में। देखिए, लैंग्वेज जो है ना, किसी भी एरिया में अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ में कनेक्ट है, जिस भी लोकल एरिया के आप लोग हैं, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। इसी के चलते यहां पर ये अरेबिक लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है। तो यूएन के द्वारा अरेबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 18th of December को हर साल। देखिए, अगर आप लोगों को बात करें यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में कई सारी लैंग्वेज है और हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो रिसेंटली अभी न्यूज में थी। क्यों बोला ये जा रहा था कि हिंदी लैंग्वेज को भी हम लोगों को यूएन की लैंग्वेज बनाना है, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज यहां पर यूएन की लैंग्वेज बन जाती है तो उसे फायदा क्या होता है, उसे ये फायदा होता है सीधा सीधा कि उसको लार्ज स्केल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है और इसी के साथ में उसको रिकॉग्नाइज भी कराया जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की आज की डेट में कितनी लैंग्वेज है, कोई इंटरव्यू में पूछे या फिर कोई क्वेश्चन पूछे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, टोटल मिलाकर 6 लैंग्वेज है। एक है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो टोटल मिलाकर कितनी लैंग्वेज होगी, 6 लैंग्वेज होगी। अब हमारी कंट्री के बारे में जो बात की जा रही थी वो ये बात की जा रही थी कि हमारी कंट्री को भी यूएन की लैंग्वेज बनाना है। तो उसके चलते जब सुषमा स्वराज जी थी उनके द्वारा काफी इसको लेकर पहल की गई, तो इसी के चलते यहां पर इसी तरीके से हम लोग अरेबिक लैंग्वेज के बारे में बात करें जो कि यूएन की एक लैंग्वेज है। किसके द्वारा यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, ये है यहां पर यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग यूनेस्को के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा 2010 में यहां पर एक इवेंट एस्टेब्लिश किया गया जिसके चलते मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इसी के चलते कल्चर डाइवर्सिटी, तो इसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, ताकि ऑल 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो मैंने भी आप लोगों को बताई कौन कौन सी, ये अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और एक अब बताइए आप लोगों को कौन सी है, ठीक है। अब एक आप बताइए, मैंने अभी बताया था, देखता हूं कितनों को याद है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी है। तो इस तरीके से यहां पर इनको किस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की लैंग्वेज को, देखिए बहुत सारे लोग आज के डेट में हमारी कंट्री में भी लार्ज स्केल पर इंग्लिश बोलते हैं, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेंच सीखते हैं या फिर स्पेनिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो इस तरीके से भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो डिसंबर 18 जो चूज किया गया यहां पर अरेबिक लैंग्वेज के लिए, 1973 में जनरल असेंबली के द्वारा इसको अरेबिक, जिसको यहां पर अप्रूव किया गया एज ए ऑफिशियल यूएन लैंग्वेज, तो उसके चलते यहां पर इसको दिसंबर 18 को ये अरेबिक लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और अगर अरेबिक लैंग्वेज के बारे में बात करें तो अरब वर्ल्ड से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन हो गया, यानी अरब वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक, ईरान, ये वाला पोर्शन, तो इसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारे संविधान के बारे में, ये भी आप लोग आइडिया रखिएगा, इसी के साथ में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में 8वां शेड्यूल है, उसमें मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। ये 22 लैंग्वेज है जिनको हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो ये 22 लैंग्वेज भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जब मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर पढ़ाए थे डिटेल में, इसके ऊपर एक अलग से मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, तो आप लोगों को याद भी होगा। अच्छा ये बताइए, हमारे संविधान में स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी, यानी कि ओरिजिनली 22 नहीं थी, ये आप लोगों को पता है, आज की डेट स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी, जो आज के डेट में ये 22 लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एंगल के बारे में बात करूं तो आर्टिकल 344 और आर्टिकल 351 जो है यहां पर, ये शेड्यूल यहां पर इंक्लूड करता है, जिसमें हम लोग 22 लैंग्वेज के बारे में यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो 22 लैंग्वेज है इसमें से बता देता हूं, जैसे आसामीज हो गई, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, ये यहां पर मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, ठीक है, नेपाली भी है यहां पर, ठीक है, उड़िया, इसी के साथ में पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तेलुगु, ये तमिल, उर्दू, आप लोगों को याद रखना है हिंदी भी है उर्दू भी है, पर लेकिन कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए स्टेटमेंट में दे देते हैं आप लोगों को कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, जी नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज इसमें नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी, स्टार्टिंग में ये थी लैंग्वेज, चलिए आप लोग बताइए फिर से मैं बता दूंगा, आप लोग थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं एक्स्ट्रा, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में प्लस उसमें अब कब कब, अबे 14 लैंग्वेज थी, ठीक है, लिख ही दिया मैंने
चलिए कोई नहीं, 14 लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में, 14 लैंग्वेज में आगे चलकर जो सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई ये 1967 में ऐड की गई, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके बेस पर इसको ऐड किया गया, ठीक है याद रखिएगा। फिर आगे चलकर यहां पर इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई, ये यहां पर 1992 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था यहां पर, ये फिर आया यहां पर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर आगे चलकर यहां पर डोगरी, मैथाली और इसी के साथ में संथाली, तो ये मैथिली यहां पर संथाली ये लैंग्वेज ऐड की गई कब, 2003 में, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो टोटल मिलाकर 14 लैंग्वेज से 22 लैंग्वेज तक का जो सफर है ये हमारी कंट्री में तय किया गया ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, एक तो हुआ 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक हुआ यहां पर 71 और एक हुआ 92, यानी कि 21 71 और 92, एक हुआ 1967 में, एक हुआ 1992 में और दूसरा हुआ 2003 में। तो ये अमेंडमेंट करके 14 से हम लोग 22 लैंग्वेज पर आज के डेट में पहुंचे हैं। रीजन सीधा सीधा ये, हमारी कंट्री काफी डाइवर्स कंट्री है, तो इसके चलते ये इस तरीके की चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में इतनी लैंग्वेज होना लाजमी है हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में। ओके आगे चलते हैं, तो जो भी डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को सारी चीजें बताई है, अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कई सारे तमाम क्वेश्चन आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन में से मिल जाएंगे जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, अगर आप लोग आसानी से उनको देखेंगे उठाकर क्वेश्चंस को। आइए अब आगे बात करते हैं, यहां पर अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है चेयरमैन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन के, वो है एनके सिंह। अरे यार 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह है, चलिए कोई नहीं यहां पर हो गया। आप लोग क्वेश्चन ये बताइए कि यहां पर आप लोग से मेंबर कितने हैं टोटल फाइनेंस कमीशन में, ये आप लोग बताइए जो 15th फाइनेंस कमीशन, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 6 न्यू यूरोपियन जो कंट्री है उनमें से नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को 3 कंट्री के और नाम बताने हैं जिनके द्वारा यहां पर इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, ये बार्टर सिस्टम की मैकेनिज्म है जो कि ईरान के साथ में ट्रेड के बारे में बात करते हैं, इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है, तो कौन कौन सी कंट्री है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पोल्यूशन स्टेबल बर्निंग के बारे में बात की जा रही है, इसको रोकने के लिए एक कंट्री के द्वारा हमारी हेल्प करने की बात की जा रही है एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, कौन सी कंट्री है और कौन सी टेक्नोलॉजी है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है जिसके बेस पर स्टेबल बर्निंग यानी कि जो घास फूस जलाया जाता है किसानों के द्वारा उसका सोल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन अवेलेबल जो है नेशनल पॉलिसी में फार्मर के बारे में, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर किसके द्वारा हेड किया गया था जिसमें किसानों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है 2007 में इसको यहां पर प्रस्तुत किया गया था। वैल्यू ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, तो ये है क्वेश्चन जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए अब एक एक कर इनके आंसर देख लेते हैं, तो आंसर देखते हैं यहां पर आंसर बात की जा रही है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह जी, और फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे संविधान में 280 आर्टिकल में लिखा हुआ है इसके बारे में। आप लोगों को पता है जब तक हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस कर हमारी कंट्री में नीति आयोग बना दिया गया, तो नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन और जो फाइनेंस कमीशन हुआ करता था दोनों के बीच में काफी रस्साकसी हुआ करती थी क्योंकि गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे रहता था प्लानिंग कमीशन, और फाइनेंस कमीशन क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी है, तो इसके चलते प्लानिंग कमीशन तो आसानी से काम करती थी पर लेकिन यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप लोगों को काम करना होता था, तो काम क्या करती थी गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के जो काम है वो भी प्लानिंग कमीशन को देती थी, इसके चलते ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को वीक करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी वजह से काफी यहां पर न्यूज में था। रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है जो आज की डेट में शक्तिकांत दास, ठीक है वो आज के डेट में इसके मेंबर हैं, ठीक है बाकी ये कौन मेंबर हैं वो आप लोग बताइए, क्वेश्चन की तरीके से आप लोग ले सकते हैं क्योंकि डिटेल में आप लोगों को कल ही मैंने डिस्कस किया था ये सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं 6 न्यू यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जिनके द्वारा INSTX को ज्वाइन किया गया है, तो बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये कंट्री है। देखिए ये है क्या बेसिकली P5+1 जो कंट्री थी जिनके द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, इसमें परमानेंट 5 मेंबर है जिनका नाम है रसिया, यूके, चाइना फ्रांस और ये कौन कौन सा हो गया यूएसए, ठीक है तो यूएसए बाहर निकल गया, तो यहां पर P4+1 रह गया, ये प्लस वन है जर्मनी यहां पर, तो ये P4+1 और इसी के साथ में ये कंट्री अब यहां पर ज्वाइन कर रही है ईरान के साथ में ट्रेड करने के लिए जिसमें यूएसए का डॉलर यूज नहीं किया जाएगा करेंसी के तौर पर, यहां पर अलग से बार्टर सिस्टम यूज किया जाएगा। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताता मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था कि आप लोग मुझे पनीर दीजिए मैं आप लोगों को मटर देता हूं, तो मटर पनीर मिलाते हैं मिलकर, ठीक है तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता है, आप लोग मुझे कुछ दीजिए मैं आप लोगों को देता हूं, तो इस तरीके से वो सिस्टम यूज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। मान लीजिए ईरान से क्रूड ऑयल खरीद के लेके आते हैं, हम उनको गेहूं दे देंगे वो हमको क्रूड ऑयल दे देंगे, तो इस तरीके से। अगर बात की जाए आगे यहां पर यह स्वीडिश टेक्नोलॉजी जिसका नाम है टोर रिफ्लेक्शन, तो यह कन्वर्ट करता है राइस स्टबल को बायोकोल के अंदर में, तो यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, इसके चलते इसको यूज करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में जो कि स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन माना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर के बारे में, तो ये MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में यह कमीशन बनाया गया था जिसने
जिसने फार्मर यानी कि किसान को डिफाइन किया था कि क्या होता है किसान। वैली ऑफ फ्लोर नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में आप लोगों को लोकेटेड है, जो कि यहाँ पर एंडेमिक एल्पाइन जो फ्लोर है और वैरायटी ऑफ फ्लोरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नैनो न्यूज के बारे में। तो कौन सी न्यूज है इंपॉर्टेंट, एक एक कर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है ओपेक कंट्री के बारे में। देखिए ओपेक कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उनको ओपेक कंट्री के नाम से जाना जाता है। पहले आप लोग ओपेक कंट्री देख लीजिए, फिर आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ओपेक जो कंट्री है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, एक तरीके से आप लोग बोलिए जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को एक्सपोर्ट करती हैं, वो कंट्री आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगी। ओपेक जो कंट्री है ये डिसाइड करती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या रहने वाला है ऑयल का प्राइस वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर ओपेक कंट्री डिसाइड करती है। तो ओपेक कंट्री हमेशा से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऑयल का प्राइस कम होना है या फिर ज्यादा होना है, तो उसी के बेस पर ये अपना जो प्रोडक्शन है उसको घटाते और बढ़ाते रहते हैं। अगर आज की डेट में टोटल मेंबर की बात करें तो 14 कंट्री है यहाँ पर जो टोटल मेंबर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 1960 में इसको बनाया गया था बगदाद के अंदर में, फर्स्ट 5 मेंबर के द्वारा जब ज्वाइन किया गया था इसको। हेडक्वार्टर आज के डेट में इसका 1965 से कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में है। ऑस्ट्रिया जबकि इसकी ऑस्ट्रिया का मेंबर भी नहीं है, पर यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल है यह मोहम्मद बारकिंदो, और ये जो कंट्री है ये जो यहाँ पर ये जो ओपेक कंट्री है ये तो देखिए ऑयल प्रोड्यूस करती ही करती है, इसके अलावा रसिया काफी ऑयल प्रोड्यूस करता है, यूएसए काफी ऑयल प्रोड्यूस करता है, और भी कई सारी कंट्री काफी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं जो कि इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, अब बात क्या आती है, बात यहां पर आती है कि जब ये अगर मान लिया प्राइस ऊपर नीचे करना है आप लोग, तो आप लोगों को उन कंट्री से बात करनी पड़ेगी जो कि दूसरी कंट्रियां प्रोड्यूस करती हैं। यानी कि मान लीजिए एक मोहल्ले में कोई दुकान है, ठीक है, ये यहाँ पर इस मोहल्ले में ये यहाँ पर 4 दुकानें हैं, तो इस मोहल्ले में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का जो प्राइस इनको रखना है, मान लीजिए प्याज की बात कर लीजिए, ठीक है, तो प्याज चारों दुकानें बेचती है यहाँ पर, तो एक दुकान यहाँ पर मिलकर ये 3 दुकान कह रही है कि हम लोग जो प्याज का प्राइस है वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से लेकर आएंगे, पर लेकिन यहाँ पर जो ये अकेली दुकान है ये बोल रही है भैया मैं तो यहाँ पर ज्यादा ही बेचूंगी, मैं तो इस लेवल पर लेके नहीं आऊंगी, तो फिर कैसे आप लोग इसको देखेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर सबको साथ में लेके आएंगे तभी प्राइस यहां पर डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए रसिया को भी इंक्लूड करके चला जाता है जब प्राइस की बात करते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में ये 1.7 मिलियन बैरल पर डे इसको कट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज़ में है। तो जो अभी इन लोगों का टारगेट है यहां पर ये बोला जा रहा है कि 1.7 ये लगभग इतने बिलियन बैरल पर डे बिलो अक्टूबर 2018 के लेवल पर यहां पर ये लाने वाले हैं। तो यहां पर इनका टारगेट ये कि 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से इसको 1 जनवरी 2020 तक ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके बेस पर क्या होगा, फिर ये रेगुलेट कर पाएंगे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बैंकिंग एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में। देखिए मान लीजिए अगर कोई दिवालिया घोषित किया जाता है किसी कंपनी को, तो उसके बाद में फिर ये कंपनी जो है ये पैसे रिकवर करने का काम करती है वहां से। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं होते, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में भी कि भाई मेरे पैसे फंस गए वहां से पैसे निकलवा दो, कि वो बोलता है कि हाँ 10% मेरा लगेगा या फिर 50 मेरा 50 तुम्हारा निकलवा दूंगा। तो वही काम यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर करती है। पर लेकिन सोचिए अगर कोई कंपनी यहाँ पर बर्बाद हुई है और वो कंपनी जो बर्बाद हुई है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है इनमें से भी किसी का पार्ट था वहां पर उस कंपनी में, और ये उसी को यहाँ पर बेसिकली पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर क्या आता है एक तरीके से इंटरेस्ट आ जाता है इनका। तो उसको यहां पर बोला गया कि आरबीआई के द्वारा उनको रोक दिया गया कि जिनको स्पॉन्सर्ड कर रही है ये खुद इस तरीके कंपनीज, वो यहां पर इस तरीके जो चीजें हैं उसमें पार्टिसिपेट तो करेंगे पर लेकिन यहां पर ये उसको खरीदेंगे नहीं, यानी कि एक तरीके से ये एक तरीके से उनको एसिड जो है उसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया ताकि एक तरीके से इंटरेस्ट जो है यहां पर वो आड़े न आए और जो चीजें हैं वो प्रॉपर वे में आगे बढ़ सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि बाय करते हैं डिबेटर्स, यानी कि जो बैंक के द्वारा बोला जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो ये कि वो बोला जाता है कि रिकवर करने वाला जो एरिया है उससे भी उसमें बेसिकली ये काम करते हुए नजर आते हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं जो डेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो एसोसिएटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो ये जो होती हैं ये यहाँ पर क्वालिफाइड की गई हैं एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो यहाँ पर क्वालिफाइड किया जाता है उसके बेस पर यहाँ पर ये काम करती हैं। रजिस्टर कहाँ पर होता है, रजिस्टर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ पर ये रजिस्टर होते हैं, इसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। कौन सा एक्ट है जो रेगुलेट करता है, ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड
असिस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। ये काफी लंबा एक्ट है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर की वीडियो सुनते हैं पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ये सरफेसी एक्ट इसको बोलते हैं, ये बेसिकली रेगुलेट करने का काम करते हैं यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज को, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बन सकता है कि ये जो असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है ये किस एक्ट के अंदर रजिस्टर है यहाँ पर और किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी कंट्री में ये काम करता है किस तरीके से जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है। और टायर्स वगैरह जो होते हैं आप लोगों को पता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पोलिथीन हो गए, टायर्स वगैरह हो गए, इनको जलाया जाता है, ठीक है। तो जलाया जाता है कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, तो उसकी वजह से एक अलग ही लेवल का पोल्यूशन देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा भी जब यहाँ पर जो टायर्स वगैरह ये बनाए जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर ये कई सारे जो वर्कर है जो काम करते हैं इन कंपनीज में उनको नुकसान देखने को मिलता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 27 जो टायर्स प्रोलिसिस जो यहाँ पर यूनिट है 19 स्टेट के अंदर उनको बोला गया है कि यहाँ पर जो हेल्थ पर इम्पैक्ट डालती है वर्कर की उनको यहाँ पर रोकने की बात की गई है। तो इसके चलते जो यहाँ पर एक तरीके से जो टायर का जो बेसिकली होता है एब्सेंस में ऑक्सीजन के यहाँ पर ये बेसिकली जो ये ब्रेक डाउन किया जाता है और तब इसको बनाया जाता है और टेम्परेचर भी काफी हाई रखा जाता है 250 से लेके 500 तक का लिक्विड फॉर्म में यहां पर इसको बनाया जाता है। तो ये टेक्निक है बेसिकली जिसके बेस पर यहां पर इसको रेफर किया जाता है, यानी कि जो शब्द यहां पर यूज किया गया ना इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं यहां पर 250 से लेके 500 डिग्री टेम्परेचर के उसमें तब जाकर यहां पर ये बेसिकली ये टायर जो होते हैं वो बनते हैं। तो वर्कर जो काम करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में तो उनकी हेल्थ को काफी नुकसान बोला जाता है कि इसकी वजह से होता है। कुछ और डिटेल में इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी बोलते हैं 2014 में इसके द्वारा प्रोहिबिट किया गया था जो टायर्स वगैरह होते हैं उनको बर्न करने के लिए, यानी कि जैसे भट्टे होते हैं जिससे ईंट बनाई जाती है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कई जगह फ्यूल के तौर पर इसको यूज किया जाता था तो उसके चलते एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा था। अब यहाँ पर जो गाइडलाइन है यहाँ पर यह प्रोलिसिस जो है यहाँ पर इसके लिए भी इसको बंद कर दिया गया है और उस टाइम पर इसके द्वारा रिकमेंडेशन भी दी गई थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ करना है। तो अभी यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बोल दिया गया कि जहां पर भी इसको इंक्लूड किया था इस प्रोसीजर को यहाँ पर ये बनाने के लिए तो उसको यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाए। 40% के जो करीब जो टायर्स जो पॉलिसी यूनिट है वे यहाँ पर रूल के हिसाब से जो एनजीटी या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो एनवायरमेंट को भी काफी नुकसान पहुंच रहे हैं। तो इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस तरीके से इसको रेगुलेट करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनिसेफ है इसके द्वारा पब्लिश की गई है एक रिपोर्ट जो कि मीजल्स की मोर्बिडिटी जो बीमारी है और मोर्टेलिटी उसकी वजह से जो डेथ हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही है। तो जो मीजल्स होता है उसको रूबेला के नाम से भी आप लोग जानते हैं और आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में फिर से बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी बात की जा रही है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर जो सिम्टम्स हैं वो तो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे रेड स्क्रीन हो जा रही है, निमोनिया हो जा रहा है और डेथ तक यहाँ पर लोगों की हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड देखने को मिल रही है इंडिया में 2018 में, इसी के चलते सेकंड हाईएस्ट जो नंबर बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो अफेक्टेड होते हैं इसकी वजह से। और जो प्रॉब्लम है वहां पर ये कई बार वैक्सीन को यहाँ पर माना जा रहा है। देखिए वैक्सीन कई बार तो जो लोग होते हैं ना जो दवाई होती है उसको लेकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ये दवाई अच्छी नहीं है प्रॉब्लम कर देगी तो वैक्सीन को लेकर डर हो जाता है। कई बार वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं होती है और कई बार अवेलेबल होती है तो काफी लो क्वालिटी की वैक्सीन अवेलेबल होती है। तो ये कई सारे रीजन है जिसके बेस पर यहाँ पर जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर बच्चों की हेल्थ या फिर कोई इशू आप लोगों को लिखना है तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड में अगर इसके केसेस की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड हाईएस्ट है अगर बच्चों के बारे में आप लोग बात करें, बच्चे जो विजिस की वजह से बीमार हो रहे हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर नाइजीरिया है मोस्ट नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अनवैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रन है नाइजीरिया के अंदर में जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टडी एक एनालिसिस के बारे में बात की जा रही है जो कि किया गया यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग IUCN बोलते हैं। तो वर्ल्ड ओशन जो कि यहाँ पर आज के डेट में बोल रहा है कि लेस ऑक्सीजन है इसके अंदर में जो 1960 में हुआ करती थी, यानी कि ऑक्सीजन जो है जो ओशन जो है वहां पर वो डी ऑक्सीजनेशन हो रहे हैं यानी कि उनके अंदर की ऑक्सीजन है वो कम होती जा रही है। बहुत बड़ा रीजन तो आप लोग ये बोल सकते हैं जो पॉल्यूशन लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है तो उसके चलते यहाँ पर जो ओशन का जो लेवल है ऑक्सीजन का वो 2% के करीब 1960 से लेकर 2000 तक का 2010 तक का यहाँ पर कम आ गया है। तो वर्ल्ड जो है यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग लेवल पर अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी कम देखने को मिलेगी। तो डी ऑक्सीजन अगर यहां पर होता है
उसे प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम सीधी सीधी आती है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो आती है कि जो भी जीव जंतु ओशन के अंदर है, खासकर मछलियों की अगर बात की जाए वहां पर, इसके अलावा जो भी ओशन के अंदर जीव जंतु है उनको काफी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है कई बार इन सब सिचुएशन की वजह से जो पॉल्यूशन निकल के आ रहा है। कई बार आप लोगों ने सुना भी है कि जिस तरीके से टैंकर जो फट जाते हैं तेल के, तो उसकी वजह से पूरा जो पॉल्यूशन उस एरिया में फैल जाता है। कई सारे एरिया में आप लोगों ने सुना है बहुत सारी मछलियां मरी हुई पाई गई हैं, टर्टल मरे हुए पाए गए हैं, तो ये इंसानों की द्वारा जो हरकतें की जा रही है उसका ये नजारा यहां पर देखने को मिलता है। फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं वो क्या करता है, खेतों में से बहाकर नदियों के थ्रू फिर यहां पर ओशन में पहुंच जाता है, तो वो भी बहुत बड़ा रीजन है यहां पर जो डीऑक्सीजनेशन हो रहा है यहां पर ओशन के अंदर में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया रखिएगा कि इसके द्वारा यहां पर ये वर्ल्ड ओशन में जो यहां पर ऑक्सीजन है उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर रिसर्चर के द्वारा डेवलप की गई एक डिवाइस जिसको बोला गया फ्रॉग फोन, जो मेंढक होते हैं उसके बारे में यहाँ पर नाम रखा गया इसका। ये साइंटिस्ट मॉनिटर करेंगे जो फ्रॉग है वाइल्ड के अंदर, उसको बेसिकली यहाँ पर मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है। वर्ल्ड फर्स्ट सोलर पावर्ड जो रिमोट सर्वे है यहाँ पर डिवाइस यहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए 3G और 4G सेल्यूलर नेटवर्क के थ्रू। फ्रॉग फोन जो यहाँ पर ये रिसर्च कैन सिंपली ये क्या कर सकता है, ये एक तरीके से जो फॉरगेट हैबिटेट जो यहाँ पर फ्रॉग यानी कि जो यहाँ पर मेंढक होते हैं उनके हैबिटेट के बारे में बात करता है, और किस तरीके से यहां पर ये बेसिकली जो डिवाइस है यहां पर ये एक तरीके से बात की जा रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया को वो नहीं कहते एक तरीके से ओवर एक तरीके से एनालिसिस करेगी, तो उनके ऊपर स्टडी की जा सकती है। देखिए होता क्या है, बेसिकली अगर इन्वायरमेंट में से कोई भी एक किसी भी तरीके जानवर की कमी अगर आ रही है, किसी भी तरीके फ्लोरा फ्यूरा की कमी आ रही है, तो आसपास वाले एरिया पे उस पर काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि कोई तो ऐसी गड़बड़ हुई है जो इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से यहां पर ये कमी आ रही है, तो उसको भी यहां पर चेक किया जाता है इन सब सिचुएशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं ये स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो स्किल इंडिया जो कंपेन था यहां पर लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में 15 जुलाई को यह लॉन्च किया गया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये सारे स्किल लोन स्कीम, ये सारे यहां पर जो इनिशिएटिव है ये इसी का इनिशिएटिव है जिसके चलते यहां पर स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एम सीधा सीधा ये है कि किस तरीके से लगभग 40 करोड़ जो पीपल हैं इंडिया में डिफरेंट एरिया में 2022 तक उनको स्किल प्रोवाइड करानी है। तो क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे कि यहां पर जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है हमारी कंट्री में उनका टारगेट क्या है, तो 2022 तक का बोला जा रहा है यहां पर कि 40 करोड़ लोगों को यहां पर स्किल प्रोवाइड करानी है। ये काम कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में ये काम है, और 2022 ही को यहां पर इसकी डेट रखा गया है। रीजन सीधा सीधा इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, 75वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री की आजादी की, तो उसके चलते यहां पर ये डेट रखी गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कई बार, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोगों का क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना यहां पर अरेबिक लैंग्वेज डे के बारे में, इसी के साथ में हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज और क्या क्या है और कौन से संविधान के संशोधन के बाद में कौन सा क्या क्या ऐड किया गया है वो सारा डिटेल में समझा, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी कंट्रीज हैं उनके बारे में समझा, और फिर आगे हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में जाना क्या क्या स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं और क्या ये कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनसे रिलेटेड क्या ये यहां पर गाइडलाइन है और कहां पर ये रहती है बेसिकली कंपनीज कहां पर मेंशन है और कौन इनको कंट्रोल करता है सारी बातें देखी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा टायर कंपनीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम न हो, और नेशनल ग्रीन टर्मिनल्स के ऊपर ऑलरेडी बैन लगा चुका है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं कि मिजल्स जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में समझा। इसके अलावा यहां पर जो स्टडी की गई ओशन के अंदर जो ऑक्सीजन कमी आ रही है उसकी भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहां पर यह प्रॉब्लम निकल कर आ रही है ओशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा यहां पर फ्रॉग फोन के बारे में, ये बेसिकली फोकस दिया जा रहा है मेंढक के ऊपर किस तरीके से यहां पर किस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानने को मिला, यहां पर कौन कौन सा प्रोग्राम है, कब तक का टारगेट है, क्या क्या चीजें हैं, तो डिटेल में समझा। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज, यहां पर बात की जा रही है यूएन अरेबिक डे के बारे में, आप लोगों को यह बताना है यहां पर यह इवेंट जो था किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। नेक्स्ट यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है उसके बारे में बात करना है, कब तक उनके द्वारा बोला गया कि 5 लाख बैरल पर डे इफेक्टिव यहां पर जो ये जो बेसिकली जो ऑयल है उसको कट करेंगे, कब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। एआरसी जो कंपनीज है ये किस एक्ट के अंदर में आती है, ये है यहां पर सरफाइसी एक्ट जिसके बारे में डिस्कस किया था, कब का है ये एक्ट ये आप लोगों को बताना है। यहां पर यूज किया गया प्रोबिट करने के लिए
टायर्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ये प्रोबिट किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर किस किस के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है यहाँ पर मिजल्स की, जिसकी वजह से बीमारी है और लोग मर रहे हैं, वीकली जो रिपोर्ट है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टडी अगर आप लोग बात करते हैं तो लेस ऑक्सीजन देखने को मिल रही है ऑक्सीजन के ये समुद्र के अंदर, ये किसके द्वारा स्टडी पब्लिश की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंढक से रिलेटेड एक डिवाइस है यहाँ पर, उसका नाम क्या रखा गया है जो कि इसके बारे में बात करती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लेक्चर को डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स से जरूर बताकर जाना, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, आपका तो भला होगा ही होगा, सामने वाले का ही भला होगा। तो इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और काफी खुशी मिलेगी आप लोगों को अंदर से। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।